नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश। हमारे YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में ट्रेनिंग और प्रूनिंग का प्रोसेस था। आज अपन नेक्स्ट पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करेंगे। बाग में या फिर कहें कि मौसम की प्रतिकूल स्थिति बाग में भी हो सकती है और अपने सस्य फसलों में भी हो सकते हैं। तो आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो मौसम की प्रतिकूल दशाओं के प्रति किस प्रकार से अपन बच सकते हैं और क्या क्या उनसे नुकसान हो सकता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मौसम की प्रतिकूल दशाएं। एवं बचाव मौसम की ऐसी कौन कौन सी प्रतिकूल दशाएं होती है और उनका किस प्रकार से अपने बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो प्रतिकूल दशाएं होती क्या है ना, यानी कि ऐसी स्थिति जिसमें पौधे में आर्थिक नुकसान है वो ज्यादा हो, वो स्थिति प्रतिकूल दशाएं कहलाती है। वो पाला हो सकती है या लू चल सकती है, इसके अलावा अतिवृष्टि हो सकती है, अनावृष्टि हो सकती है, ओले गिर सकते हैं, इसके अलावा आपके आंधी तूफान वगैरह हो सकता है या कोई और आपदा आ सकती है, तो वो स्थिति सारी की सारी क्या कहलाती है, प्रतिकूल स्थिति कहलाती है ना। तो अपन वन बाय वन सभी का डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है पाला, इसको तुषार भी बोला जाता है और फ्रॉस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखो पाला क्या होता है। सबसे पहले तो पाले की जो स्थिति होती है वो ज्यादातर दिसंबर से जनवरी माह में होती है ना, दिसंबर से जनवरी माह में। अगर रात्रि का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है तो पौधों की पत्तियों में जो जीव द्रव्य है वो जम जाता है और उस स्थिति में पौधे की जो पत्तियां हैं वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाती है और जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो पाले की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये हो जाएगी कि सर्दियों में दिसंबर जनवरी माह में रात्रि का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर पौधे की पत्तियां के ऊपर बर्फ वगैरह या छोटे छोटे धूल जो बर्फ के कण है वो जमने से जो स्थिति पैदा होती है उस स्थिति को पाला या तुषार कहा जाता है। ठीक है, अब देखो पाला या तुषार से नुकसान क्या क्या होता है, कौन सी फसलों में कितना नुकसान होता है ना। सबसे पहले अगर अपन बात करें जो सस्य फसल है, सस्य फसलें हैं, इनमें सर्वाधिक नुकसान करने वाली यानी कि सर्वाधिक सेंसिटिव फसल कौन सी है, तो सरसों है, इसके अलावा जीरा है, धनिया है, मेथी है, इनमें सर्वाधिक पाले के द्वारा नुकसान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन सब्जियों की बात करें, सब्जियों में देखो जो सोलेनेसी फसल वाली सोलेनेसी फूल वाली फसलें हैं उनमें सर्वाधिक नुकसान होता है। सोलेनेसी के अलावा कुकुरबिटेसी में भी हो सकता है। जो सोलेनेसी फसलें होती है जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इनमें सर्वाधिक नुकसान होता है। और कुकुरबिट्स कुल की कुछ सब्जियां जो सर्दियों में अपन बुआई करते हैं, वैसे ज्यादातर कुकुरबिट्स है वो जायद की फसल होती है, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, फिर भी अगर अपन सर्दियों में बुआई कर रहे हैं तो वो सेंसिटिव होती है ना। इसके अलावा अगर अपन फल वाली फसलों की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, फल फसलों की फलों में, तो फलों में आपके हो जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट पपीता, इसके अलावा केला है, ये सर्वाधिक सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये कहता जनरली आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सर्वाधिक सेंसिटिव या फिर पाले के प्रति संवेदनशील फसल कौन सी है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अब देखो पाले से नुकसान क्या क्या होता है और उसका अपन बचाव है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो क्या होता है, जैसे ये कोई पत्ती है ना। ठीक है, अब इस पत्ती के ऊपर क्या होगा, जब टेम्परेचर यहाँ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तब इसमें जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य क्या होगा, जम जाएगा है ना। जीव द्रव्य जमने से क्या होता है, देखो अगर कोई सा भी पदार्थ हो जो जमेगा तो उसका आयतन है वो बढ़ जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि भाई इस प्रकार से कोई बर्तन है उसमें पानी भरा रहता है और जब इसको बर्फ में अपन कन्वर्ट करते हैं तो इसके आसपास में थोड़ा सा पानी की मात्रा और हो जाती है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से जीव द्रव्य जब जम जाएगा
तो क्या होगा, इसका आयतन है वो बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो टूट जाती है, कोशिका झिल्ली टूट जाएगी, कोशिका झिल्ली टूट जाएगी तो पौधे में जो है भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा और पौधा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य नुकसान है कि किस प्रकार से ये नुकसान पहुंचा रहा है ना। क्या होता है, जीव द्रव्य जमने से कोशिका झिल्ली फट जाती है और कोशिका झिल्ली फटने से जो पत्तियां हैं वो खत्म हो जाती है और पत्तियां खराब हो जाएगी तो फिर फसल है वो अपने आप खराब हो जाएगी, है ना। इसके बाद में अब देखो ये जो पाला है या तुषार है इससे अपन किस प्रकार से बच सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं या बचाव के क्या क्या उपाय है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका है सिंचाई करना, सिंचाई करना। अब देखो क्या होता है, जब पाले की स्थिति होती है तो उस टाइम अपन सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई करने से 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है, थोड़ा सा पौधे को आराम मिल जाता है, है ना। अब देखो सिंचाई करने से किस प्रकार से टेम्परेचर में वृद्धि होती है, देखो पानी का जो भौतिक गुण होता है वो भौतिक गुण मरुस्थल की तरह या फिर धरातल की तरह नहीं होता है ना। धरातल का भौतिक गुण क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है, पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। अगर अपने इस फसल में पानी डालेंगे, ठीक है, पानी डालेंगे तो सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, जो पानी थोड़ा सा गर्म रहेगा तो यहाँ पर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी क्या होता है, जब सिंचाई करते हैं तो पानी नीचे जाएगा जमीन में जाएगा तो जमीन की जो हीट होगी, मृदा की जो हीट होगी वो वापिस ऊपर आएगी, ऊपर आने से क्या होता है थोड़ा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक नंबर आपके ये हो गया सिंचाई करना, दूसरा इसमें आपके हो जाएगा 0.1% H2SO4 का छिड़काव करना, H2SO4 इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अलावा इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, 0.1% मात्रा भी याद रखना और H2SO4 या गंधक का अम्ल का छिड़काव करते हैं। गंधक का अम्ल क्या करता है, जो पत्तियां होती है पत्तियों के ऊपर अपन छिड़काव करेंगे, छिड़काव करने से क्या होता है पत्तियों में श्वसन दर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, श्वसन दर बढ़ेगी तो एनर्जी का या फिर अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा ज्यादा बनेगी, ऊर्जा बनेगी तो उसमें जो है हीट आएगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा इसमें है धुआं करना, धुआं करना। देखो जब पाले की स्थिति हो रही है तो अपन धुआं देखो किस दिशा में करते हैं, इस प्रकार से अपना खेत है तो हमेशा धुआं भी अगर अपन कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना जो नॉर्थ ईस्ट साइड है अपने, है ना, उत्तरी पूर्वी दिशा है, इस दिशा से अपने धुआं करेंगे, है ना। जैसे बाग में अपने कोई घास फूस वगैरह है तो यहाँ पर इकट्ठा करके इसको जलाएंगे, इससे क्या होगा, देखो जो सर्दियों में हवा आती है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है और इधर की हवा आएगी तो अपने पूरे बाग में या खेत में धुआं हो जाएगा। ठीक है, वैसे सर्दियों में ज्यादा हवा तो नहीं चलती, फिर भी अगर थोड़ी बहुत हवा चल रही है तो ये अपने खेत में पूरे में फैल जाएगा। अगर अपन इसको इस दिशा में लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से धुआं है वो पड़ोसी के खेत में चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा, अपने फसलों के काम में नहीं आएगा। तो हमेशा धुआं है वो भी उत्तर पूर्वी दिशा में करना चाहिए। ठीक है, धुएं से थोड़ा बहुत टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा चौथा है विद्युत हीटर, विद्युत हीटर का प्रयोग देखो अपने यहाँ पे ज्यादा नहीं किया जाता, ये जो विद्युत हीटर का प्रयोग है वो विदेशों में ज्यादा किया जाता है, अपने यहाँ पर इस प्रकार की कोई अभी तक एक्टिविटी है वो नहीं की जाती, क्योंकि अपने यहाँ लाइट घरों में इतनी ज्यादा नहीं होती है तो खेतों में अपन किस प्रकार से करेंगे, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें जैसे वायुरोधी वृक्ष है वो लगा देंगे, वायुरोधी वृक्ष लगाना, है ना। अब देखो वायुरोधी वृक्ष का भी ध्यान में रखना, अगर अपने पाले की दिक्कत है तो उस टाइम अपन वायुरोधी वृक्ष है वो भी कौन सी दिशा में लगाएंगे, इस दिशा में लगाएंगे, है ना, यहाँ पर उत्तर हो गया और यहाँ पर पूर्व हो गया। ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में लगाएंगे, ध्यान रखना, अगर अपने को पाले से बचाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बड़े बड़े जो फैलने वाले वृक्ष है जैसे जिनकी कैनोपी ज्यादा होती है वो वृक्ष यहाँ पर लगा देंगे, इससे क्या होगा यहाँ का जो
हवा से थोड़ा सा अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये जो हवा का रोकने का काम करेंगे, बाग में थोड़ी बहुत से सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ताटिया करना, ये जो टाटिया वगैरह बनाते हैं, देखो जूट वगैरह है या कोई और जैसे कोई पौधे हैं उनसे बड़े पौधे हैं उनके लकड़ियां वगैरह लेकर के जो छोटे फल वृक्ष होते हैं उनके चारों तरफ पे टाटी कर देते हैं। इससे क्या होता है जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा अधिक हो जाता है, अधिक तो नहीं होता पर क्या होता है जो टेम्परेचर जो पौधे को नुकसान है वो कम होता है क्योंकि ये रोकने का काम करता है। ठीक है, और ये ज्यादातर या तो छोटा क्षेत्र होता है वहां पर काम में लेते हैं या फिर नर्सरी में काम में लेते हैं, ज्यादातर पौधे छोटे होंगे तब या फिर कोई फल वृक्ष छोटी अवस्था में है तब ये काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो प्रतिकूल दशाएं हैं, एक नंबर अपने काला पड़ा, काले के बाद में दूसरी है लू। देखो सबसे पहले तो लू क्या होता है और कब चलती है, जैसे पाला है तो पाला ज्यादातर कौन से महीने में आता है, दिसंबर से जनवरी माह में, यानी कि मिड दिसंबर से मिड जनवरी है वो पीक पीरियड होता है। लू की बात करें तो लू देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होती है कि उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म हवाएं हैं उसको लू कहा जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म हवाएं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। और लू का प्रकोप है वो ज्यादा राजस्थान में सर्वाधिक होता है, इसके बाद में इसके आसपास वाले जो राज्य है वहां पर भी इसका प्रकोप होता है। देखो लू कब चलती है, जून और जुलाई माह में, ठीक है, मई जून में, सॉरी मई और जून माह में ज्यादातर लू चलती है। ठीक है, थोड़ा मंत्र भी ध्यान में रख लेना, बाकी यहाँ से ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई लू का प्रकोप कौन से स्टेट में ज्यादा रहता है या फिर ये पूछा जाता है कि लू कौन सी दिशा से आती है ना। लू से देखो क्या क्या नुकसान होता है पौधों में, एक तो जो हवाएं आती है उनसे क्या होता है फल फूल जड़ जाते हैं, है ना, अगर तेज हवाएं आएगी तो अगर अपन फ्लोरिंग स्टेज पे पौधे हैं तो फल फूल जड़ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फसल है वो गिरने के भी चांस रहते हैं, अगर अपने फसलों की बुआई की हुई है तो हवा तेज आएगी तो फसल गिर जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, लू है तो इसमें गर्म हवाएं आ रही है, गर्म हवाएं होगी तो टेम्परेचर गर्म होगा, टेम्परेचर गर्म होगा तो क्या होगा वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो लू है उसके द्वारा नुकसान अपनी फसलों में होता है। अगर एक एक की बात करें तो सबसे पहला नुकसान क्या है, फसल गिर जाती है, फसल का गिरना, दूसरा फल फूल जड़ जाना, फल फूल जड़ना, और इसके अलावा तीसरा हो गया वाष्पीकरण और चौथा हो गया वाष्पोत्सर्जन। ये नुकसान है वो लू के द्वारा ज्यादातर होता है, फसल गिर सकती है, फल फूल जल सकते हैं, वाष्पीकरण हो सकता है और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का लॉस होता है। अब देखो इसका जो कंट्रोल है वो अपन किस प्रकार से करते हैं, फसल वगैरह जड़ना, फल फूल जड़ना, देखो ये तो है, उसको अपन कंट्रोल किस प्रकार से, नियंत्रण या बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो है वायुरोधी वृक्ष लगाना, वायुरोधी वृक्ष लगाना। अब देखो यहाँ पर ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जाता है अगर अपने को शीत लहर से या फिर पाले से बचना है तो वायुरोधी वृक्ष अपने अभी डिस्कस किया था किस दिशा में लगाते हैं, और लू से अगर अपने को बचना है तो वायुरोधी वृक्ष है, जैसे ये अपना खेत है तो इस खेत में आपको देखो लू ज्यादातर कौन सी दिशा से आती है, उत्तर पश्चिम दिशा से आती है ना, इस दिशा से ज्यादातर लू आती है, तो वायुरोधी वृक्ष लू से बचने के लिए अपने को उत्तर पश्चिम दिशा से लगाना है, और शीत लहर या सर्दियों से बचने के लिए अपन वायुरोधी वृक्ष है वो उत्तर पूर्वी दिशा में लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े आकार वाले जैसे आम है, बरगद है, आम है, शीशम है, ठीक है, इसके अलावा नीम है, सिरस है, ये बड़े बड़े वृक्ष है वो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे तो हवा का वेग है वो कम हो जाएगा, यहाँ पर अपनी जो फसल की बुआई कर रखी है इसमें थोड़ा बहुत फसल गिरने से या फिर फल फूल जड़ने से अपने बचा सकते हैं। ठीक है, वायुरोधी वृक्ष को क्या बोला जाता है, विंड ब्रेकर कह सकते हैं ना, विंड ब्रेकर। दूसरा है शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट या इसको हिंदी में बोलते हैं वायुरोधी पट्टिका, वायुरोधी पट्टिका।
वायुरोधी पट्टिका भी फल फूल झड़ने से या फिर फसल गिरने से बचाती है। देखो वायुरोधी पट्टिका क्या होती है, जैसे ये अपना खेत है, ठीक है, या फिर अपने आसपास गांव गांव हो गया, या फिर गांव के आसपास की जो जमीन होगी, ठीक है, इस जमीन के आसपास में अगर कोई सरकारी जमीन है, ठीक है, खाली पड़ी जमीन है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, वायुरोधी पट्टिका या शेल्टर बेल्ट लगा देंगे, ठीक है। शेल्टर बेल्ट किस प्रकार से लगाते हैं, देखो इसमें जो बीच में जो पौधे होंगे वो सबसे लंबे पौधे लगा देंगे, ठीक है, इसके बाद में इसमें मध्यम आकार के पौधे लगा देंगे, ठीक है, इसके बाद में फिर इससे छोटे आकार के पौधे लगा देंगे, इसके बाद में बड़े आकार की झाड़ियां लगा देंगे, ठीक है, इसके बाद में मध्यम आकार की झाड़ियां लगा देंगे और फिर छोटे आकार की झाड़ियां लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस साइड करेंगे दोनों तरफ, जो पहले बड़े आकार का हो गया, इसके बाद में मध्यम आकार का, इसके बाद में छोटे आकार का हो गया, इसके बाद में बड़े आकार की झाड़ियां लगा दी, इसके बाद में मध्यम आकार की झाड़ियां लगा दी और फिर छोटे आकार की झाड़ियां लगा दी, ठीक है। इस प्रकार से अपन झाड़ियां लगा देंगे। अब देखो ये जो पौधे लगा रहे हैं, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर जो पौधे लगा रहे हैं वो जिगजैग मेथड से लगाएंगे, ठीक है, जिगजैग मेथड से इस प्रकार इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पे जो पौधा आ रहा है आगे वाली लाइन में यहाँ पे आ जाएगा, इसमें इधर आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक प्रकार से दीवार का निर्माण हो जाता है, हवा का आगे क्रॉस नहीं हो पाता, ठीक है। अब देखो इसकी जो शेप है वो किस प्रकार की हो गई, पिरामिड शेप इसकी आकृति हो गई, है ना, इसकी आकृति है वो पिरामिड शेप की होगी। अब देखो इसको पिरामिड शेप में अपन किस लिए बनाते हैं, जो इधर से हवा आ रही है ना, तो इस हवा को अपन रोक तो नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि भाई अपन इसको रोक देंगे, क्योंकि हवा का रोकना तो थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हवा की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हैं, दिशा है या हवा का रुख है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये जो शेल्टर बेल्ट है इससे हवा का रुख चेंज हो जाएगा, हवा ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर जो अपना आसपास का एरिया होगा इसमें जो हवा के द्वारा नुकसान होने वाला था वो नुकसान से अपने बच सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको अपने पिरामिड शेप में इसलिए बनाया है कि भी जब हवा सीधी आती है, अगर पिरामिड शेप में नहीं रहता, सीधा वृक्ष रहता तो टूटने के चांस ज्यादा रहते थे, है ना, तो इसलिए अपने को क्या किया, धीरे धीरे हवा है वो इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे यहाँ टच हुई, टच होने के बाद में ऊपर जाते हुए आगे चले गए, ठीक है। दोनों तरफ पिरामिड इसलिए बनाया कि कई बार इधर से भी हवा आ सकती है, इसलिए यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए। और ये शेल्टर बेल्ट है वो देखो ज्यादातर गवर्नमेंट जमीन है, सरकारी भूमि होगी वहां पर बनाया जाएगा, क्योंकि अगर किसान अपने खेत में बनाएगा तो बोएगा कहाँ ना, इसमें थोड़ा सा जगह है वो ज्यादा लग जाती है। गवर्नमेंट जगह पर बनाने से क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट को वैसे फायदा हो जाता है कि फॉरेस्ट एरिया कवर हो रहा है और किसान के वैसे भी जमीन है उसका यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस जगह को यूज कर सकते हैं। ओ ये था शेल्टर बेल्ट और वायुरोधी वृक्ष लगाना, इनसे शेल्टर बेल्ट और वायुरोधी वृक्षों से क्या होता है, फल फूल झड़ने से रोक सकते हैं और फसल को गिरने से अपने बचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट इनका जो नुकसान हो रहा था वो नुकसान था वास्तुत्सर्जन और वास्तुकरण, है ना। अब देखो वास्तुकरण क्या होता है, वाष्पीकरण कोई सा भी क्षेत्र हो जहां पर खाली जमीन हो, जमीन में से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकल करके जल को नष्ट होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण के द्वारा नुकसान हो रहा है उससे अपन कैसे बच सकते हैं, देखो ये अपनी जमीन है, ठीक है। अब इस जमीन में से अगर कोई जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म हवा आएगी तो टेम्परेचर बढ़ना ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ का जो जमीन में से जो नमी है वो नमी वाष्प के रूप में वो बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे अपनी फसल लगा रखी है तो इन दो लाइनों के बीच में अपन क्या करेंगे, एक मल्चिंग कर देंगे, ठीक है। मल्चिंग को हिंदी में बोलते हैं पलवार करना, ना पलवार कर देंगे। अब देखो मल्चिंग है, मल्चिंग में अपन क्या करेंगे, या तो जो घास फूस है उनको बिछा देंगे, इसके अलावा अपन प्लास्टिक के थैली का भी यूज कर सकते हैं। और मल्चिंग है देखो, अगर अपन घास फूस का यूज कर रहे हैं तो एक चीज अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे घास फूस में खरपतवार वगैरह होते हैं ना, या फिर पौधों की पत्तियां होती है, अगर खरपतवार वगैरह अपन यहाँ पे बिछा रहे हैं तो खरपतवारों को फ्लोरिंग स्टेज से पहले पहले ही यूज लेना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लोरिंग स्टेज के बाद में अपन यूज ले रहे हैं तो इसके फूलों से बीज वगैरह बने हुए होते हैं, तो फिर खरपतवार की प्रॉब्लम और हो जाती है ना। तो फिर जो अपन मल्चिंग के लिए मटेरियल ले रहे हैं, खरपतवारों का यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने को फ्लोरिंग स्टेज से पहले करना है, ठीक है।
अब देखो अगर अपने इसमें घास फूस और जो खरपतवारों की पत्तियां वगैरह है या पूरे पौधों की पत्तियां वगैरह है उनका यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मल्चिंग या फिर हिंदी में बोल देते हैं कार्बनिक मल्चिंग, है ना, या कार्बनिक पलवार। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर अपने प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक थैली का उपयोग कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे, प्लास्टिक मल्चिंग। पॉलिथीन थैली का अगर अपन प्रयोग करते हैं तो प्लास्टिक मल्चिंग हो गया। और एक प्रकार से मल्चिंग और कर सकते हैं अपन, देखो ये जो जमीन है इस जमीन के ऊपर की कुछ सतह है, जैसे मृदा के ऊपर की सतह है, उस सतह को अपन भुरभुरी कर देंगे। ठीक है, भुरभुरी करने से क्या होता है, जैसे ये वाली जमीन थी इसको अपने भुरभुरी कर दिया, इसके बाद में ये जो नीचे वाली जमीन है ना यहाँ की नमी है वो पर्याप्त बनी रहेगी और ऊपर वाली जो जमीन है वो थोड़ी सी नम होकर के ऊपर वाली जमीन में जितनी भी नमी होगी वो उड़ जाएगी, नीचे वाली जमीन में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार की अगर क्रिया करते हैं तो इसको बोलते हैं डस्ट मल्चिंग, डस्ट मल्चिंग। अब ये देखो दोनों तीनों जो मेथड्स है वो वाष्पीकरण को कम करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो अगर अपने ये डस्ट मल्चिंग है इसको अपने जो टिलेज करते हैं उसके बाद में तो इसको डस्ट टिलेज भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपना जो नुकसान हो रहा था वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखो जो पौधे की पत्तियां हैं उन पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। देखो पौधे के मोस्टली जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों से होता है, इसके अलावा तने से भी हो सकता है। ठीक है, तने और पत्तियों से ज्यादातर लगभग 95% पत्तियों से होता है, बाकी 2-5% तने से भी हो सकता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए अपने को क्या करना है, वाष्पोत्सर्जन से अपन किस प्रकार से बच सकते हैं, तो सबसे पहला अपन कर सकते हैं पर्णरंध्रों को बंद करने वाले रसायनों का उपयोग, बंद करने वाले रसायनों का प्रयोग, यानी कि ऐसे रसायनों का प्रयोग करेंगे जो पर्णरंध्र है वो बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, जब पर्णरंध्र है, पत्तियों के रंध्र है वो बंद हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, पर्णरंध्र बंद करने वाले रसायन कौन कौन से हैं, PMA यानी कि फिनाइल मर्करी एसीटेट, फिनाइल मर्करी एसीटेट ये पर्णरंध्र को बंद करने के काम में आता है। इसके अलावा CO2, ABA यानी कि एब्सेसिक एसिड, इसके अलावा एट्राजेन। ठीक है, अब देखो इनमें से एक प्रश्न आपके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी है जो पत्तियों का रंध्र बंद करने के काम में लिया जाता है, है ना, तो एकमात्र खरपतवार नाशी है ये जो आपके ज्यादातर ये जो खरपतवार नाशी है वो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन इसका साथ में पत्तियों को बंद करने का काम भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो पर्णरंध्र को बंद करने का रसायन है एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पत्तियों पर जो पत्तियों के ऊपर जो परत बना देते हैं ऐसे रसायनों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पत्तियों पर परत बनाने वाले रसायन, पत्तियों पर परत बनाने वाले रसायनों का प्रयोग, यानी कि ऐसे रसायन का यूज करेंगे जो पत्तियों के ऊपर एक परत बना देंगे तो इसके रंध्र है वो बंद हो जाएंगे और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पत्तियों के ऊपर परत बनाने वाले जो रसायन है उनमें देखो मुख्य है सिलिकॉन, इसके अलावा जो अपन चूना पदार्थ डालते हैं चूना पदार्थ भी पत्तियों में रंध्र बंद करने का काम करता है। इसके अलावा तीसरा जो है प्रावर्तन वाले रसायन, ये आपका फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा है प्रावर्तन वाले रसायन।
परावर्तन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन है ना, यानी कि पत्तियों के ऊपर जैसे सूर्य की किरणें पड़ेगी तो वो किरणों को परावर्तित कर देंगे, जिससे क्या होगा पत्तियों में जल का लोस नहीं होगा, जल की हानि है या जल का नुकसान है वो नहीं होगा। अब परावर्तन करने वाले रसायनों में सबसे प्रमुख है केओलिन, ठीक है, इसके अलावा ये चूना और सिलिकन भी परावर्तन का काम करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके केओलिन हो गया, ठीक है। अब देखो वाष्पोत्सर्जन में अपने क्या किया, एक तो सबसे पहले पर्णरंध्रों को बंद करने वाले यानी कि स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप रसायन अपने यूज किए, है ना, पर्णरंध्रों को बंद करने वाले रसायनों का प्रयोग। दूसरा पत्तियों पर परत बनाने वाले, है ना, फिल्म फॉर्मिंग जिसको बोलते हैं। और तीसरा परावर्तन वाले रसायन यानी कि रिफ्लेक्शन टाइप जो रसायन है उनका यूज किया, ठीक है, इससे क्या होता है वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तन्ने के ऊपर चूने का लेप कर देंगे, ठीक है। चौथा बात करें तो तन्ने के ऊपर तन्ने पर चूने का लेप कर देंगे, ठीक है। अपने रोड की साइड चारों तरफ जो पौधे लगे होते हैं उनमें देखते हैं कि भाई गर्मियों में दो तीन प्रकार के जो डिजाइन किए रहते हैं या फिर चूने का लेप किया रहता है। देखो चूना क्या काम करता है, एक तो जो ये जो आपके तने के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है, दूसरा अगर वहां पर कोई छोटी मोटी कवक जनित बीमारियां हैं उनको भी दूर करने का काम करता है। ये दोनों ही प्रकार के चूने के लाभ है, ठीक है। इसके अलावा और अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट है सिंचाई करना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, गर्म हवाएं चलेगी तो जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा, अगर सिंचाई कर देंगे तो हल्का हल्का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना जो लू है, लू से बचाव के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन प्रतिकूल दशाओं की बात करें तो नेक्स्ट दशाओं में आपके आता है अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और इसके अलावा शीतलहर है। तो इसके बाद में नेक्स्ट तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है कि वर्षा बिल्कुल ही नहीं होना, है ना। जब वर्षा बिल्कुल नहीं होगी तो पौधों में क्या होगा, जल की कमी हो जाएगी और उत्पादन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपन बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो अगर अतिवृष्टि की समस्या आ रही है तो वहां पर अपने को ऐसी देखो फल वृक्षों के तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर सस्य फसलें अपने लगा रहे हैं तो वहां पर अपने को ऐसी किस्मों का चुनाव करना चाहिए जो सूखा सहनशील हो, ठीक है। और इसके बाद में जैसे फल वृक्ष का अपने बुआई कर रखी है या बाग लगा रखा है तो वहां पर अपन क्या करेंगे, जो वाटर स्टोरेज होता है, जल जो जल जैसे बारिश वाला जल है या फिर कोई और एक दो अपने पास जल की व्यवस्था हो रही है तो उसको स्टोरेज करके रखेंगे, भंडारित करके रखेंगे, ठीक है। और सिंचाई की ऐसी विधि अपनाएंगे जिससे कम से कम जल का लॉस हो, है ना, कि वो वन ड्रॉप मोर करो का ना ये मेथड्स अपनाएंगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन है वो अपनाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा सिंचाई जल की बचत हो जाएगी अपने और अनावृष्टि से भी अपने कुछ हद तक बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में चौथी जो प्रतिकूल दशाएं होती है वो है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या होता है, बारिश का अधिक हो जाना। अब देखो अतिवृष्टि की अगर कहीं समस्या आ रही है तो उसका अपन भी कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई खेत के ऊपर अपन कोई तिरपाल वगैरह लगा देंगे, है ना। अतिवृष्टि से देखो नुकसान क्या होता है, जैसे ये जमीन है, जमीन के ऊपर अगर पानी ज्यादा हो गया, पानी भरा रहा तो ये जो पौधे लगे हुए हैं इन पौधों में जो जड़ें रहती है इन जड़ों में श्वसन है वो रुक जाएगा, ठीक है, श्वसन रुक जाएगा तो फिर पौधे में ऑटोमेटिक धीरे धीरे पौधा सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अतिवृष्टि से बचने के लिए अपने एक ही उपाय कर सकते हैं, अपने जो खेत में जो ये जल भरा हुआ है उसको अपन जल निकास की उचित व्यवस्था करके खेत से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी और आपदा आती है तो उससे अपने कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ओलावृष्टि है। ओलावृष्टि से भी देखो आपने नुकसान की बात करें तो नुकसान फल फूल वगैरह जल जाते हैं, पौधे पूरे के पूरे भी टूट जाते हैं, फसलें अगर बोर किया है तो फसलें गिर जाती है, ठीक है। तो इसका कंट्रोल अपन किस प्रकार से मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा देखो एक शीतलहर भी है,
शीत लहर जैसे अपने फ्रोस्ट में या पाला में सबसे पहले पड़ा था, तो शीत लहर से अपने को बचने के लिए क्या करना होगा, शीत लहर से बचने के लिए जो अपने फल वृक्ष है उसकी नॉर्थ ईस्ट साइड में अपने को बड़े बड़े जो कैनोपी वाले पौधे हैं वो लगा देंगे। इससे क्या होगा, इधर वाले जो पौधे हैं वो कुछ सुरक्षित होंगे। ठीक है, शीत लहर क्या काम करती है, एक तो जो फल वृक्ष है या फिर जो फसलें हैं उनमें अगर फ्लोरिंग स्टेज है तो फ्लोरिंग जो फूल है वो सारे के सारे जल जाते हैं, फसलें भी गिर सकती है अगर तेज है आ रही हो तो। ठीक है, और जहां पर शीत लहर की ज्यादा समस्या आ रही है वहां पर अपन क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट साइड में बड़े आकार के बड़े कैनोपी वाले फल वृक्ष लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो आंधी तूफान भी है, आंधी तूफान। ठीक है, आंधी तूफान भी देखो अचानक होने वाली घटनाएं होती है, तो इससे अगर अपने तो थोड़ी बहुत अगर अपने को पहले जानकारी मिल जाती है तो कुछ अपन व्यवस्था वगैरह कर लेते हैं, बाकी आंधी तूफान से भी अपन किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। आंधी तूफान से भी वही नुकसान होने वाला है, अगर तेज स्पीड से आ रहा है तो फिर अपने फल वृक्ष वगैरह है या फिर फसलें हैं वो टूटने और गिरने के डर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये थी अपने मौसम की प्रतिकूल दशाएं और उनका किस प्रकार से अपने बचाव कर सकते हैं। और देखो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।